तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं बैच द टीचर। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में जो हमारी टीचर थी उसको हमने अलग अलग वेपन से कितनी गंदी तरीके से मारा और इसका रिजल्ट हुआ उसको अपनी टीचर की जॉब छोड़नी पड़ी। उसके रिप्लेसमेंट में आज हमारे पास एक नया टीचर आ चुका है जिसको हमें दोबारा से कूटना है। ये होने वाला है बैच द टीचर का सेकेंड एपिसोड, आज हम शुरू करते हैं। ओके गाइज, वेलकम टू डे 2 ऑफ बैच द टीचर। देख सकते हो आज हमारे पास एक नया टीचर आया है जिसका नाम है सर्जन जगहेड। इसको भाई साहब गंदी तरीके से कूटने वाला हूँ। और आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने देखो यहाँ पे 4 तरीके के आइटम अनलॉक कर लिए थे एंड 4 तरीके के पेट्स एंड 4 तरीके के सेम वेपन आज हम लोग अनलॉक करने वाले हैं। मतलब बेसिकली ये नीचे की चारों रो है ना, इन्हें आज हम कम्प्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं खोल देने वाला हूँ एक बलून भाई, 2300 का था और पैट भी यहाँ पे 2300 के। देखते हैं कुछ कुछ नई एंडिंग्स आती है। तो सबसे पहले तो टीचर को ही कूटने वाले हैं। और ये देखो भाई, इस बार बलून अलग अलग रंग के आ रहे हैं भाई, ये देखो सारे अलग अलग रंग के। इसे बजाते हैं और देखते हैं कुछ नया हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। ओके भाई, एक चैम्बर से आया और ले गया उसे। व्हाट? नाइस नाइस नाइस, ठीक है अब सबको बजाते हैं एक बार, लाइन से सबको बजाएंगे। अरे ये क्यों आ गए भाई, इसने इसी टीचर ने अपनी जॉब छोड़ी थी यार, ये फिर से क्यों आ गई? अच्छा इनने पूरा स्कूल नहीं छोड़ा था, केवल अपनी क्लास की, हमारी क्लास जो कि मैं हूँ बहुत शातिर बंदा, सबसे पीछे बैठ के मैं गुब्बारे मार रहा हूँ यार इन सब के। टन 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 टन, और भाई इसने भी पिया यार, पोर्शन मस्त है यार, इसे हर कोई पीता है। और ये इनविजिबल हो गया क्लास से बाहर। बेटे अभी तो क्लास से बाहर गया, अभी तो जॉब छोड़ के क्लास से बाहर जाएगा देख। अभी बजाते हैं, इस बार बेल को बजाते हैं, ठीक है बेल को बजा के कुछ नया आएगा या नहीं। भाई बिजली कड़की और अपना जग हेड डाउन हो गया, बिल्कुल खाक में मिल गया ये। अब मैं ऐसे ही सबको बजाते जा रहा हूँ और देखने वाले हैं क्या क्या नई नई एंडिंग्स आने वाली है। और भाई ये क्या था भाई, मतलब अपना बंदा बर्फ बन गया और उसी का डुप्लीकेट आया और उसी को साथ में लेके चला गया। और ये वही बंदा है जो फ्रीज हुआ था या फिर ये वो बंदा है जो उसको लेके गया था? हो क्या रहा है भाई? गन भाई, मैं तो धीरे धीरे सबको बजा रहा हूँ। फिर से पोर्शन पीने आ गया भाई, इस बार क्या होगा भाई? उसके बैट की तरह पंख निकल आया भाई। और बैट से याद आया यहाँ पे अपग्रेड में मेरे को एक बैट भी दिखा था, ये देखो भाई इसको अनलॉक करते हैं और एक आइटम में जाके ये कंप्यूटर भी अनलॉक कर लेते हैं। अब देख रहे हो हमारे पेट में भी पहला अनलॉक हो चुका है, आइटम में भी एंड वेपन्स में भी। और अब देखते हैं शायद कुछ नया हमें देखने को मिले। ओह भाई कंप्यूटर में देखो, जब मैं कंप्यूटर को मार रहा हूँ तो कंप्यूटर में एरर आ रहा है भाई। जल्दी मेरे को बताओ इस कंप्यूटर से क्या नई एंडिंग आने वाली है। यार ये फिर से आ गई है, दोनों साथ में डांटेंगे। तू मान जा, तू भी जाएगा बाहर और वो भी जाएगी। इस बार बैट को मारते हैं। यार बैट को मारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या कर सकते हैं, हमें 27 पॉइंट जो दे रहा है बैट। लो जी कुछ नया। ओह अबे यार म्यूजिक बंद कर दिया इन्होंने, मैं नाच नहीं लगा था। चलो कोई दिक्कत भाई, बैट से कुछ नया आया था इस बार। ओ बॉम्ब ब्लास्ट भाई, अपनी पूरी क्लास में कहीं असर नहीं पड़ा, केवल टीचर की गुद्दी पे बॉम्ब फटा है, गुद्दी पे नहीं पैर पे सॉरी। ओए नया 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 भाई, मैं देर से कर रहा था, यहाँ पे एक चिड़िया आई और उसके ऊपर बीट करके चली गई। भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे साथ एक बार हुआ, मैं पता नहीं कहीं जा रहा था और मैंने घर पे आके देखा भाई जैकेट पे कुछ कुछ एक छींटे सी पड़ी हुई थी, और वो छींटे मेरे को आज तक नहीं पता लगा किस चीज़ की थी। और बाय द वे हमें एक नया आइटम अनलॉक करने के लिए 4700 स्टार्स चाहिए। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले अपना वेपन ही अनलॉक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं 4700 का एक पाई केक ले लेता हूँ, पाई केक से देखते हैं कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। 31 पॉइंट्स जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है भाई। तो ओके भाई साहब, काफी बार इन्हें बजाने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने 10,000 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए।
और वही चिड़िया इस पे हक के चली गई। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल यहाँ पे अपग्रेड में जाके हम अपना एक जेली केक अनलॉक कर लेते हैं। और आगे देखो भाई ये क्या रोबोट सा है। और पेट्स में एक स्नेक अनलॉक कर ले रहे होंगे। और अब शायद कुछ हमें नई एंडिंग्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले जेली केक पे मार रहा हूँ, देखो कैसे वो विगल सा कर रहा है ना। कुछ नया दिखा दो भाई यार, चाटे मारूंगा। तो सबसे पहले हम एक वेपन अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि वेपन से हमें काफी सारे पॉइंट्स मिलते रहते हैं और जल्दी खरीद सकते हैं भाई हम उसे। और 8500 में मैंने प्लेट्स खरीद लिए। अब प्लेट्स पे क्या होगा, अरे भाई 49 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई प्लेट्स, अरे यार सांप को मार के मुझे अच्छा नहीं लगता, बट कोई नहीं करना पड़ेगा। ओके कुछ नया, ओ लाइट गई, गया भाई गया। अब पता नहीं वो बिल्लिया थी भेड़िया थे पता नहीं कौन था, बट हाँ अपना टीचर कुटना चाहिए बस। कुछ नया, अबे यार काफी देर से ट्राई करने के बाद भी कुछ भी नया नहीं आ रहा है यार, वही बॉम आ जा रहे हैं और ये फूटा जा रहा है बेचारा। तो मैं कुछ नया खरीद लेते हैं, पेट्स में सोच रहा हूँ पेट्स से खरीदते हैं, क्योंकि पेट में 85,000 का हमारे पास क्रैब है। तो आइटम्स में हम ये रोबोट खरीद लेते हैं। और ये देखो भाई रोबोट पिटने के बाद कैसी हरकतें कर रहा है। चल भाई तू तो कुछ नई एंडिंग दिखा दे हमें, अब मुझे पक्का यकीन है तू कुछ नया दिखाएगा मुझे। नहीं मान रहा भाई, कोई नहीं मान रहा। अब तुम तीनों पिटो, तीनों कुछ ना कुछ नया दिखाओगे अब मेरे को, पक्का पता है। बेइज्जती कर रहा यार ये आदमी कर रहा है भाई बेइज्जती। पिछली वाली टीचर तो कुछ भी नहीं कर रही थी, ये तो भाई बेइज्जती भी कर रहा है, कुछ नया भी नहीं दिखा रहा। अब तो भाई साहब हमें ये दो ही चीज़ें बचा सकती है, एक तो ये अबे ये क्या है नींद में है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पेट है हमारे पास, एक हाथी कैसे बंद हो गया भाई इस बड़े से उसमें, बाकी सबका तो समझ में आता बट हाथी। वेपन में हमारे पास एक गुलेल है तो इसको सबसे पहले अनलॉक करने वाले हम। ओके भाई फाइनली परचेज करते हैं भाई, कुछ वेपन में नया आया। 14,500 स्टार्स का मैंने ये गुलेल खरीद लिया, और देखो गुलेल यहाँ पे दिख भी रही है यार ये तो बढ़िया है भाई, गुलेल दिख रही है ये देखो। ओ भाई कुछ तो नया आना चाहिए, शुरुआत में नहीं दिखाते यार ये कुछ नया, थोड़ा टाइम लेते हैं। अब तो भाई बंदा देखो उसका सैडनेस बार भी भाई बढ़ता जा रहा है, अब ये एक जॉब क्विट करने वाला है यार, अब ये जॉब क्विट कर देगा अपनी। कोई दिक्कत नहीं है भाई तू जॉब क्विट कर ले, मेरे को कुछ नया नहीं दिखा पाए तुम यार। लो इसने भी दे दिया अपना इस्तीफा भाई, गया निकल गया। अब कौन आएगा यार, वो दो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर पाया, बट चलो कोई नहीं, हमारा यहाँ पे नया टीचर अनलॉक हो चुका है, डे नंबर 3 आ चुका है बैच द टीचर में। और कौन सा नया टीचर आया है, ओके प्रोफेसर बम प्लफ भाई ये कैसा नाम है यार। मैं बताया क्या सोच रहा हूँ कि, और ये जो हमारे पास एक आइटम बच गया है इसको मैं अभी खरीदूँ या बाद में, चलो अभी खरीदते हैं ठीक है। सबसे पहले नए वाले प्रोफेसर को एक बार बजा देते हैं। लो भाई कितनी जल्दी जल्दी पिट रहा है ये, ओह अभी क्या है क्लास में मुर्गे मुर्गियाँ चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, पीछे से बंदा कुट रहा है इसकी, देखो यहाँ पे गंजी खोपड़ी के बीच में मारूँ उसके वहीं जाके लगा भाई। चलो भाई मेरे को नई चीज़ें दो, इस बार ये क्या करेगा पीके भाई गेम ही बन गया, गुड बाय यार वो चला गया। ओके अब हम नई चीज़ अनलॉक कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर लेते हैं भाई, इसको मारू क्या, अरे भाई आवाज देखो ऐसे कर रहा है। नाइस नाइस नाइस, इस बार क्या नया है, कुछ नया होना चाहिए। वो बंदा स्नेल बन के भाग गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। नाइस, वो कौन है अंदर इनविजिबल आदमी ने पोर्शन पिया और बाहर, ए यार ये क्या है भाई, ये गेम कुछ अलग ही लेवल पे है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा। काफ़ी सारे स्पाइडर्स आ गए, इसकी शक्ल भी स्पाइडर सही है भाई, अब इसी के एंसेस्टर्स होंगे वो जो उसे पकड़ के ले गए इसकी शक्ल भी तो ऐसी है यार। ओके भाई किसका जूता था ये पकड़ के, अपग्रेड करते हैं और यहाँ पे पेट में हाथी ले लेते हैं भाई, लेट्स गो। हमारे सारे पेट अनलॉक हो चुके हैं,
इस वाली रो के देख रहे हो सारे पेट आइटम्स अनलॉक हैं, सारे पेट्स अनलॉक हैं एंड देन सारे वेपन्स अनलॉक हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ये सारे भी करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे क्या है, वो बल्ब भाई, वेपन में बल्ब है, ये क्या काम करेगा। और पेट में क्या है नीचे, ये शायद से एक फॉक्स है, और आइटम्स में एक वॉल क्लॉक है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हाथी हमने लाया है पेट में, इससे क्या नई एंडिंग आने वाली है, ठीक है। और आवाज सुनो हाथी की, भाई चला जा। गया तू भी गया भाई, ये क्या था, नाइस। चलो यार आज के लिए इतने रखते हैं, मैं नहीं चाहता और एंडिंग दिखे और स्पॉइलर मिले हमें, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, बैश द टीचर के पार्ट 3 में। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको लाइक टारगेट तो पता ही है, जल्दी से उसे कंप्लीट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।